गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 3 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर डे 3rd, 11th क्लास एनसीईआरटी बुक हॉर्नबिल। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू डिस्कस द हेडिंग ऑफ द चैप्टर। द हेडिंग ऑफ द यूनिट इज वी आर नॉट अफ्रेड, हम डरते नहीं हैं, टू डाई, मरने से, इफ वी ऑल आर टुगेदर, यदि हम सब साथ साथ हैं तो हमें मरने का भी डर नहीं है। ये जो सेंटेंसेज है इसी कहानी में एक छोटे से बच्चे के द्वारा बोला गया है। कॉन्फिडेंस देखिए बच्चे का, और टुगेदरनेस के बारे में भी देखिए, क्योंकि टीम स्पिरिट जो होती है ना किसी भी काम को करने की, यदि सब मिलकर के किसी काम को करें तो ऐसे चीज़ों में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि टुगेदर एवरीबडी अचीव्स मोर। तो जो टीम है वो हमें हमेशा ही एनर्जी देती है, और टीम बना करके चलते हैं तो हर काम आसान हो जाता है। साथ ही साथ हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये संदेश हमें इससे मिलेगा। गॉर्डन कॉक एंड एलन ईस्ट के द्वारा ये लिखी हुई एक कहानी है जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित है। और गॉर्डन कॉक एक कैनेडियन सेलर है, ओलंपिक सेलर है, जिनको सेलिंग करने का शौक है। तो चलते हैं, देखते हैं कहानी को। कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो खुद राइटर और उनकी पत्नी। सो कहानी कब स्टार्ट होती है? इन 1976 मेरी वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6 ईयर्स, जोनाथन 6 साल का है, एंड डॉटर सुजेन 7 ईयर्स की है। तो ये कहानी इन लोगों की है। हमारे दो परिवार के 4 मेंबर मिलकर के ये कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक सेल स्टार्ट करते हैं, एक वॉयेज स्टार्ट करते हैं। वॉयेज होती है समुद्री यात्रा या फिर हवाई यात्राएँ, तो समुद्री यात्राओं को यहाँ वॉयेज कहा गया है। और प्लेमाउथ इंग्लैंड से स्टार्ट हुए हैं, और ये जो रास्ता था इन्होंने ड्यूप्लीकेट किया है, मतलब इस रास्ते से पहले भी कोई जा चुका था, वो भी 200 ईयर्स अर्लियर, जिनका नाम था कैप्टन जेम्स कुक। इस रास्ते से जा चुके थे और उसी रास्ते को इन्होंने चुना समुद्री यात्राओं के लिए। तो पढ़ लेते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मेरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजेन एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड, दुनिया के चारों ओर। वॉयज लॉन्ग जर्नी बाय सी और स्पेस, मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई, क्योंकि लंबे समय से, जब सिंस और फोर आता है तो हम कहते हैं से, तो लंबे समय से मेरी एंड आई, ए 70 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, कि दोनों के दोनों ही बिजनेसमैन हैं, और जो राइटर है वो 37 ईयर्स का है, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, कि हमारा एक सपना रह चुका है, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, कि जिस रास्ते से फेमस एक्सप्लोरर, जो एक्सप्लोरर कौन होते हैं, खोज करता, जो नए नए टापुओं की, द्वीपों की, आइलैंड्स की खोज करते रहते हैं, उनको हम एक्सप्लोरर कहते हैं। ये भी लोगों की एक हॉबी है एक्सप्लोर करना, क्योंकि वो चले जाते हैं और उनके नाम अमर हो जाते हैं। सो दे आर नॉट पर्सनैलिटीज, दे आर पर्सोनाज, पीपल नो आफ्टर देयर डेथ ऑल्सो। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर होता है फुर्सत का समय, जिस समय हम सारा काम कर चुके होते हैं और खाली समय हमें मिलता है तो उसको हम बोलते हैं लेजर। आर यू गेटिंग? यस आई एम गेटिंग, सो प्लीज़ कीप इन टच एंड स्टार्ट कमेंटिंग, जो जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है उनके बारे में कमेंट करिए। हॉनिंग का मतलब होता है इम्प्रूव करते हुए, तो इम्प्रूविंग आवर सी फेयरिंग, फेयर का मतलब होता है चक्कर लगाना, आवाजाही करना, आवागमन करना, जैसे जिसको हम हिंदी में यहाँ फेरी कहते हैं वही फेयर है, फेयर से ही सी फेयरिंग बना है। स्किल्स मीन्स ऐसी एजुकेशन जो बार बार रिपीट करने के बाद हमारे अंदर आती है, या फिर जो एक्शन से हम सीखते हैं, प्रैक्टिस करने से जो सीखते हैं, ऐसा नॉलेज स्किल कहलाता है। तो आवर सी फेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर्स, यहाँ वाटर प्लूरल में आया है जिसका मतलब होगा समुद्र, जब भी वाटर को प्लूरल करते हैं तो उसका मतलब पानियों नहीं होकर के समुद्र हो जाता है। तो समझ में आ रहा होगा कि जुलाई 1976 की बात है, राइटर की पत्नी मेरी, उनका बेटा जोनाथन 6 साल का है और सुजेन उनकी बेटी 7 साल की है, सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड
टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज की प्लेमाउथ से चलेंगे और पूरे संसार को चक्कर लगा करके वापस इंग्लैंड ही लौटेंगे, और ये वही रास्ता है जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने तय किया था। और हम लोगों ने क्या किया, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत लंबे समय से, मेरी एंड आई 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, हम दोनों ही बिजनेसमैन हैं, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, और उन्हीं के रास्ता जो दिखाया था, उन्होंने जो हमें जगाया था एक्सप्लोर करके, उसी रास्ते से हम फिर से जाएंगे। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 सालों से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर, हमारा जो भी फुर्सत का समय था वो हमने बिताया है किस चीज़ में, होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स, तो होनिंग का मतलब इम्प्रूवमेंट करते हुए हमारी सी फेयरिंग स्किल्स में, और वो भी किस में, ब्रिटिश महासागर में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं समझ लेनी है। आवर बोट वेव वॉकर एट 23 मीटर 30 टन वुडन हुल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द टफ रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। तो यहाँ आवर मीन्स हमारा, बोट मीन्स आप जानते हैं, वेव वॉकर उस बोट का नाम है, नाव का। 23 मीटर इसका डायमेंशन है, वो है 23 मीटर एंड 30 टन वुडन हुल्ड आउटर बॉडी, हुल्ड का मतलब होगा जो बाहर का जो हिस्सा होता है उसको, तो वुडन का बाहर का जो हिस्सा है वो 30 टन का है, 23 मीटर का है ये लंबा चौड़ा, ब्यूटी और बड़ा सुंदर है, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, प्रोफेशनली मीन्स ऐसे आर्टिस्ट से बनवाना जो कहीं ना कहीं शिक्षा लेकर के काम कर रहे हैं, बिल्ट मीन्स बनाना, एंड वी हैड स्पेंट और हमने बिताया है, स्पेंड मीन्स बिताया, मंथ्स मीन्स महीने, फिटिंग फिट करते हुए, एंड टेस्टिंग अ फिट आउट एक साथ है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट इट लगा हुआ है, टेस्टिंग मीन्स जांच करते हुए, इट इन द रफेस्ट वेदर, रफ पॉजिटिव डिग्री होती है, रफर कंपेरेटिव डिग्री होती है, और रफेस्ट क्या हो जाती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो सबसे खराब से खराब वेदर में भी हमने इसको चेक किया है, टेस्ट किया है, वी कुड फाइंड कि जितना भी खराब वेदर हो सकता है उसमें हमने इसको टेस्ट कर लिया है। सो आवर बोट वेव वॉकर एट 23 मीटर 30 टन वुडन हाउल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। द फर्स्ट लेग, सबसे पहला लेग, लेग का मतलब था पार्ट या हिस्सा, हमारी जर्नी का जो सबसे पहला हिस्सा है, ऑफ आवर प्लांट 3 ईयर्स 105,000 किलोमीटर्स जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, जिसको हम सुहावने रूप से गुजारेंगे, एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट, जैसे ही हमने सेल करना स्टार्ट किया, हम वेस्ट कोस्ट पे आए, ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका से केप टाउन के वेस्ट कोस्ट पे हम पहुंचे, ये जो पहला हिस्सा था हमारी जर्नी का। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, उससे पहले हम ईस्ट की तरफ हेडिंग करके चल रहे थे, वी टुक 1-2 क्रूमैन, और वहाँ से हमने 2 चालक दल के सदस्य और लिए, एक अमेरिकन लेरी वेजिल एंड स्विस हर्ब सेजलर, तो ये दोनों हमने साथ लिए, तो कहानी में 2 कैरेक्टर और बढ़ गए, हम 2, हमारे 2, और फिर हमारे 2 सेवक और जो हमारी हर तरीके से हेल्प कर सके, दोनों के दोनों ही क्या थे, क्रूमैन थे, ये क्रूमैन होते हैं चालक दल के सदस्य जो हर तरीके से ट्रेंड होते हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट था 105,000 किलोमीटर की जर्नी का, वो सुहाने रूप से चल रहा था, और हम सबसे पहले कहाँ पहुँच गए, वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे हम पहुँच गए जो कि केप टाउन था। देयर बिफोर, उससे पहले हम ईस्ट की तरफ चल रहे थे, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 चालक दल के सदस्य जोड़े, एक तो अमेरिकन लेरी विजिल एंड दूसरा स्विस हर्ब सेजलर, टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, तो हम उनको इसलिए लेकर के गए कि दुनिया का जो टफेस्ट और रफेस्ट सी है उसमें हमारी हेल्प कर सके, टू टेकल, टेकल का मतलब ध्यान रखना, द सदर्न इंडियन ओशन, और सबसे जो खतरनाक जो था ओशन वो था इंडियन ओशन, जिसको हम यहाँ हिंद महासागर कहते हैं। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, कि जैसे ही हमारा सेकेंड डे हुआ, अब देखो जर्नी एक डायरी की तरह लिखी हुई है कि हर दिन क्या घटित हुआ क्या नहीं हुआ बताते जा रहे हैं,
ऑन मीन्स आपको पता है कि समय से पहले हम ऑन का यूज करते हैं, आवर मीन्स हमारा, सेकेंड मीन्स दूसरा, डे मीन्स दिन. आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स. ये जो गेल्स होती है इनको हम हवाएं कहते हैं, विंड्स कहते हैं. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक, दे ब्लू कंटिन्यूअसली. वो ब्लू मीन्स बहती रही कंटिन्यूअसली, निरंतर रूप से. गेल्स डिड नॉट वरी मी. इनसे हम मुझे कोई चिंता नहीं रहती है. बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग. पर सबसे ज़्यादा जो डेंजरस थी, खतरनाक चीज़ें थी, वो थी लहरों की, वेव्स की साइज. अप टू 15 meters एज हाई एज आवर मेन मास्ट. जो हमारे नाव का मस्तूल था, जो मास्ट का हिस्सा देख लेते हैं, यहाँ ये नाव जो दिखाई दे रही है, ये जो हिस्सा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम मास्ट कहते हैं. तो हमारी जो नाव का मास्ट था, उससे उतने ऊपर तक की 15 meters हाइट तक की हवाएं और लहरें चल रही थी, जो कि हमें परेशान कर रही थी. December 25th, अब जो टाइम आ रहा है वो कितने तारीख का आ रहा है, December 25th, फाउंड अस 3500 kilometers ईस्ट ऑफ केप टाउन. कि हम केप टाउन के 3500 किलोमीटर ईस्ट में थे. डेस्पाइट एट्रोसियस, एट्रोसियस का मतलब था रफ वेदर, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कम्प्लीट विद अ क्रिसमस ट्री. हमने क्रिसमस ट्री लगाया जहाज में, अपनी नाव में, और हमने हॉलीडे का आनंद भी लिया और वंडरफुल हॉलीडे कम्प्लीट किया. जबकि हाँ, एट्रोसियस वेदर था, वेदर हमारे अनुकूल नहीं था, फिर भी हमने आनंद लिया. ये हमेशा देखिए, परिस्थितियों का आनंद उठाना चाहिए. कि जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, आप चाटोगे तो भी ख़त्म होगी और नहीं चाटोगे तो भी पिघलेगी. तो हमें क्या करना है, चाट लेना ही चाहिए ताकि पिघलने का आनंद आता रहे. तो ऐसा ही इन्होंने किया कि जितना भी मौसम ख़राब क्यों नहीं हो, पर इन्होंने आनंद ज़रूर लिया. न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर. अब देखो, नए साल का दिन भी आ गया, दिसंबर 25 से लेकर के नया साल आ गया, बट कोई इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार हमने वेदर में नहीं देखा. बट वी रीजंड, पर हमें एक कारण नज़र आया, दैट इट हैड टू चेंज सून. पर ये चेंज तो होगा, या इसे होना ही था. जब भी हैड टू, हैव टू आ जाता है तो हो जाता है, कंपल्सन आ जाती है, मजबूरी आ जाती है कि ऐसा तो होगा ही. एंड इट डिड चेंज, और ये चेंज भी हुआ. फॉर द वर्स, पर हुआ किसके लिए, बुरा हुआ. पहले जब बुरा ही था, उससे भी बुरा हो गया. तो पहले तो नीम था, अब करेला था, और उस पर नीम चढ़ा दिया. कहने का मतलब, स्थितियाँ और ख़राब हो गई. एट डान, सुबह, ऑन January 2nd. अब देखिए, January 2nd की कहानी स्टार्ट होती है. द वेव्स वर गिग्नेटिक. गिग्नेटिक में मतलब होता है बड़ी ही विशाल, राक्षस के जैसी. वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब. हमारे पास एक स्मॉल स्टॉर्म जिब था. ये जिब क्या होता है, एक कपड़ा होता है प्लास्टिक का, जो कि मस्तूल, जो मास्ट होता है, उस मास्ट के पास लगाया जाता है, जिससे लहरों से बचा जा सके, जो पानी अंदर आ रहा है उससे बचा जा सके. एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots. हमारे पास इतना ही था, फिर भी हमारी जो स्पीड थी वो 8 knots की स्पीड थी. ये स्पीड मापने का एक तरीका है पानी में. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, वी कुड सी एंडलेस एनर्मस सीज रोलिंग टूवार्ड्स अस. जैसे जैसे, एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही जब जहाज हर लहर के टॉप पे जाती थी, ईच वेव कुड सी एंडलेस, जो अंतहीन था, एनर्मस बहुत ज़्यादा, जिसको मैसिव भी कह सकते हैं, सीज समुद्र दिखाई दे रहा था, रोलिंग टुवार्ड्स अस, जो कि ऐसा लग रहा था कि रोल होकर के हमारी तरफ ही बह रहा है. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, स्क्रीमिंग मीन्स चीख, चिल्लाना, चिल्लाहट की आवाज़, ऑफ द विंड्स, हवाओं की. एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, कि जो हवाएं, जो लहरें थी, वो इतनी खतरनाक तरीके से चीख रही थी, और हम पे पानी स्प्रे कर रही थी, मतलब पानी का छिड़काव हम पे हो रहा था. बहुत ही पेनफुल था, दर्ददायक था हमारे कानों के लिए. टू स्लो द बोट डाउन, यदि बोट को स्लो किया जाए, वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब. हमने ड्रॉप्ड, गिरा दी, द स्टॉर्म जिब, तूफान के समय काम में आने वाली जो जिब था, एक प्लास्टिक का कपड़ा था, उसको हमने गिरा दिया. एंड लेस्ट हैवी मूरिंग, ये मूर जो होते हैं ना, एंकर होते हैं या चेन्स होती है, इनको हम मूरिंग कहते हैं. जब भी आपको इसकी बोट की स्पीड धीमे करनी होती है, तो पीछे एक एंकर डाल देते हैं, और उस एंकर के कारण से क्या होती है, जब वजन बढ़ जाता है और स्पीड कम हो जाती है, तो ज़्यादातर बोट को रोकने के लिए मूरिंग काम में लेते हैं. सो वी लेस्ट अ
हैवी मूरिंग रॉप इन अ लूप, लूप का मतलब नॉट, गांठ देना, अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न क्या होता है, जहाज का पीछे वाला हिस्सा, बैक पार्ट ऑफ द शिप, देन वी डबल लेस्ट, और फिर हमने हर जगह दो दो गांठे लगा दी, एवरीथिंग, हर एक चीज को डबल गांठ से बांध दिया, वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और फिर हमें जो जीवन बचाने वाली ड्रिल होती है, ड्रिल का मतलब वही स्किल, तो उसको हमने काम में लिया, अटेस्ट लाइफ लाइन्स, और हमने अपने आप से लाइफ लाइन्स बांध लिए, डॉन्ड ऑयल स्किन, डंड ऑयल स्किन्स, ऑयल स्किन हमने पहन ली, एंड लाइफ जैकेट्स, एंड वेटेड, और फिर इंतजार किया। तो जैसे ही रफ वेदर हुआ, स्पीड बढ़ी, लहरें हम पे आने लगी और चीखने चिल्लाने लगी और हमें गीला करने लगी, तो हमने जिब गिरा दिया और मस्तूल के पीछे का जो हिस्सा था वहाँ से हमने मूरिंग को नीचे पीछे टांग दिया ताकि इसकी स्पीड कम हो जाए, और हर एक चीज़ को डबल नॉट से, डबल लेस से हमने बांध दिया, एंड वेंट थ्रू, और फिर चले गए या फिर करने लगे, कौन सी, लाइफ राफ्ट ड्रिल, जिससे जान बच सके, अटैच लाइफ लाइन्स, और हमने अपनी लाइफ लाइन्स जोड़ ली हमसे, ये जैकेट्स वगैरह इनको हम लाइफ लाइन्स कहते हैं, डन ऑयल स्किन्स, और ऐसे कपड़े होते हैं जो ऑयल से चिकने किए रहते हैं ताकि वो बरसात में भीगे नहीं, आपने छाता देखा होगा, छाते के ऊपर का कपड़ा कुछ ऐसा ही होता है, एंड लाइफ जैकेट्स, तो आपने कई बार पहनी होगी जब भी हम वाटर पार्क में जाते हैं नहाने के लिए, तो लाइफ जैकेट्स के बिना तो हमें नहाने नहीं देते, ऐसे ही हम पिछले बार गए थे घूमने के लिए तो वहाँ भी हमने बोटिंग करते समय लाइफ जैकेट्स पहने थे, तो ये जो सेलर्स होते हैं, नाविक होते हैं, ये सारी चीज़ें रखते हैं और ये ट्रेंड भी होते हैं इन चीज़ों में। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग का मतलब है जो आने वाला है, अबाउट टू हैपन, जो घटने वाला है, डिजास्टर मीन्स विपदा या आपदा, केम एट अबाउट 6 PM, तो ये सबसे पहले 6 बजे जो इंडिकेशन, जो सूचना मिली वो 6 बजे थी, विद एन ओमिनियस, ओमेन एक तो गुड हो सकता है, एक बैड हो सकता है, पर यहाँ अनप्लेजेंट के लिए काम में लिया गया है, ओमिनियस साइलेंस, कि एक अपशकुन भरी साइलेंस, चुप्पी फैल गई चारों तरफ, द विंड ड्रॉप्ड, हवाएं रुक गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और तुरंत ही, इमीडिएटली तुरंत, ग्रू मीन्स हो गया, डार्क मीन्स अंधेरा, और आकाश में अंधेरा छा गया, देन केम अ ग्रोविंग रोर, और एक फिर ग्रो बढ़ती हुई रोर, एक दहाड़ की आवाज़, एक शोर की आवाज़ आई, एंड एन एनर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट, और एक बड़ा सा क्लाउड टावर्ड मीन्स टावर की तरह खड़ा हो गया, आफ्ट नियर द स्टर्न ऑफ द शिप, तो एकदम जो स्टर्न था, पीछे का हिस्सा था जहाज का, उसके पास जो आफ्ट लगा हुआ था उसके पास आकर के एक बहुत बड़ा सा क्लाउड ग्रोविंग रोर के साथ आकर खड़ा हो गया। ये बड़ा भयावह होता है जब हम उस स्थिति में होते हैं ना, तो बड़ा डर लगता है, देखिए रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, विथ हॉरर, हॉरर भय, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, मुझे तो पता चल गया था कि ये बादल तो नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, और एक ये लहर है जो आज तक मैंने कभी नहीं देखी है, इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, ये एकदम ही वर्टिकली, परफेक्टली वर्टिकल, सीधी खड़ी थी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, और बिल्कुल डबल थी हाइट ऑफ द अदर वेव्स, जितनी भी लहरें अभी तक आ रही थी, खतरनाक ही आ रही थी, पर उनकी, उन लहरों से ये डबल थी, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और एक भयावह, ब्रेकिंग मीन्स टूटता हुआ, क्रेस्ट मीन्स जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है लहर का, उसको क्रेस्ट कहते हैं, कलंगी, जैसे मोर के ऊपर होते हैं ना, हाँ वो कलंगी, तो इस कलंगी को ऐसे गिर रही थी, इसे टूट रही हो, चकना चूर हो रही हो, और हमारी बोट से डबल हाइट की, और लहरों से भी डबल हाइट की, तो बड़ी भयानक लहर थी, द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर, और ये जो कंपकपाट की आवाज़ थी, रोर था, ये शोरगुल था, वो एक गर्जना में बदल गया, एज द स्टर्न मूव्ड, जैसे ही स्टर्न हिला, अप द फेस ऑफ द वेव, जो लहरों का चेहरा था उसकी तरफ, एंड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, मुझे लगा कि शायद हम इसी के ऊपर राइड कर रहे हैं, इसी पे चढ़े हुए हैं, राइड मीन्स सवारी करना, बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, और फिर अचानक एक विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन विस्फोट, और ट्रिमेंडस बहुत ही भयंकर, शुक द डेक, और शेक शुक, उसने डेक को हिला दिया, डेक जहाज का एक हिस्सा होता है जहाँ से हम खड़े होकर के पूरा समुद्र देखते हैं, अ टोरेंट, टोरेंट का मतलब अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, बहुत ही खतरनाक पानी की एक लहर आई या नदी आई, ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, जिसका हरे रंग का और सफ़ेद पानी, ये पानी भी देखो कैसा बता रहे हैं, तो ये तो सेलर ने देखा होगा कि हरा और सफ़ेद पानी आया,
वाटर ब्रॉक ओवर द शिप, और आकर के पूरी की पूरी लहर क्या हो गई, ब्रॉक ओवर, टूट गई द शिप, जहाज के ऊपर पूरी की पूरी लहर, जो एक नदी थी, एक टॉरेंट था, वो आया। माय हेड स्मैश्ड, स्मैश्ड का मतलब टकराया, इन टू द व्हील, व्हील कौन सा था, जो स्टीयरिंग थी, हाँ वहाँ व्हील स्टीयरिंग ही था। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, और मुझे लगा कि मैं तो उड़ते हुए जा रहा हूँ, ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, कि बिल्कुल ही बोर्ड के ऊपर से उड़ता हुआ लहरों के साथ जा रहा हूँ और टकराया, और मुझे लगा कि लहरों के नीचे, बिलो द वेव्स, डूबते जा रहा हूँ, कि मैं तो इस लहरों के नीचे डूबता जा रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार किया, माई अप्रोचिंग डेथ, और मुझे लगा कि मौत अप्रोच हो रही है, अप्रोच का मतलब कमिंग नियर, एकदम पास में आ रही है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्सियसनेस, जैसा कि मैं मेरी कॉन्सियसनेस खो रहा हूँ, मतलब बेहोश हो रहा हूँ, लूजिंग खो रहा हूँ, कॉन्सियसनेस मीन्स होश, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और अब मैंने फील किया बिल्कुल शांति थी। तो यहाँ रोर मीन्स दहाड़ना, इंक्रीज मीन्स बढ़ना, थंडर का मतलब गर्जना, स्टर्न का मतलब जहाज का पीछे का हिस्सा, मूड अप, ऊपर की तरफ उठा, फेस ऑफ द वेव्स, लहरों का चेहरा या लहरों का सामना, मोमेंट क्षण, थॉट सोचा, माइट सकना, राइड ओवर ऊपर चलना या कुचल देना, ट्रिमेंडियस बहुत ज़्यादा, एक्सप्लोजन विस्फोट, सुक मीन्स हिलना, सेकेंड फॉर्म है हिलाया, डेक जहाज का हिस्सा, टॉरेंट एक फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, ग्रीन हरा, व्हाइट मीन्स सफ़ेद, वाटर मीन्स पानी, ब्रॉक ओवर आकर के गिरा, द शिप जहाज पे, माई हेड मेरा सर, स्मैश्ड टकराया, इन टू द व्हील, व्हील से, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ, और मैं जागरूक हो गया या सचेत हो गया, फ्लाइंग ओवर बोर्ड कि बोर्ड के ऊपर से उड़ता हुआ, सिंकिंग बिलो नीचे डूबता हुआ, द वेव्स लहरें, एक्सेप्टेड स्वीकार किया, अप्रोचिंग आती हुई, डेथ मौत, एंड एज जैसा कि आई, आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, लूजिंग मीन्स खो रहा, कॉन्सियसनेस मीन्स होश, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, क्वाइट पीसफुल बिल्कुल शांति महसूस की। अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली जिसका किसी ने उम्मीद ही नहीं करी थी, अकस्मात अचानक, माई हेड हुप्ड, सॉरी पॉप्ड आउट ऑफ द वॉटर, अचानक मेरा, पॉप आउट का मतलब बाहर की तरफ आया, जब भी हम कंप्यूटर में खोलते हैं कोई भी स्क्रीन आती है, अचानक आती है, इसको बोले पॉप आउट, ऐसे ही बुलबुले जब भी आते हैं तो वो पॉप आउट होते हैं। सो माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वॉटर, पानी से बाहर आया, ए फ्यू मीटर्स अवे, थोड़ी मीटर दूर, वेव वॉकर वॉज नियर केप साइजिंग, ये केप साइजिंग का मतलब था उल्टा हो जाना, इन टू द वॉटर, पानी में, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसका जो मास्ट था, मास्ट जो ऊपर सबसे ऊंचा पोल होता है उसी को मास्ट कहते हैं, जिससे कपड़े बंधे हुए रहते हैं, तो मास्ट हॉरिजेंटल हो गया, पहले वर्टिकल था मतलब सीधा खड़ा था, अब हॉरिजेंटल हो रहा है, इसका मतलब डूबने की कगार पे है। देन अ वेव हर्ल्ड, हर्ल्ड का मतलब हो गया थ्रो विद अ ग्रेट फोर्स, एकदम से एक लहर आई, हर अपराइट ऊपर की तरफ, माई लाइफ लाइन जैकेट टॉट स्ट्रेच और पुल्ड टाइटली, इसका मतलब मेरा जो लाइफ लाइन जैकेट था वो टॉट हुआ, जो कि एकदम से खींचा गया। आई ग्रेब्ड द गार्ड रेल्स, और मैंने जकड़ लिया, गार्ड रेल्स जो गार्डिंग करने वाली जो रेल पिछी रहती है, रेलिंग जो रहती है, उसको मैंने पकड़ लिया, एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और तैरने लगा थ्रू द एयर, हवा के सहारे, इन टू वेव वॉकर्स मैन बूम, जो कि इनका मैन बूम, बूम का मतलब पोल, बाम्बू, तो वो जो मैन पोल था उसको मैंने ग्रैब कर लिया रेलिंग के सहारे, हवा में चलते चलते, मतलब स्थिति आपने टाइटैनिक को डूबते हुए देखा होगा मूवी में, तो वैसी स्थिति कुछ इसकी चल रही थी, और मैंने ग्रैब किया, और मेरा जो जर्क, ये जो लाइफ लाइन जैकेट था वो तो फटने ही वाला था। सबसीक्वेंटली उसी समय वेव्स टॉस्ड मी, टॉस का मतलब हाँ सिक्का टॉस करते तो ऐसे घुमाना, शक 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 ऐसे करते हुए, अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, रैग डॉल कपड़े की बनी हुई गुड़िया जो फट चुकी हो, फटे हाल जो एक गुड़िया हो वो, हाँ पुराने कपड़ों से बनी हुई गुड़िया या बॉल बनाए होते, उसकी तरह से मुझे टॉस किया, मतलब मैं घूमने लगा। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और मेरी बाईं पसली क्रैक हो गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, और मुंह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और दांत टूट गए, मतलब टूटे हुए दांतों से और खून से मेरा मुंह भर गया, क्योंकि मैं जाकर के पोल से जकड़ा हुआ टकराया समहाउ। अब देखिए स्थिति तो बड़ी खतरनाक है, यदि इस स्थिति में हम होते या देख रहे होते तो बड़ा भयावह दृश्य है। समहाउ जैसे तैसे आई फाउंड द व्हील, और मुझे स्टीयरिंग मिला, लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन।
अब मैंने क्या किया, लाइंड अप द स्टर्न, स्टर्न की दिशा में इसको लाइन अप किया, मतलब मैच कर लिया, और अगली जो लहर आई उससे जा टकराया, उस पर हैंग हो गया, हैंग ऑन मतलब रुक गया। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी था, इट मीन्स जहाज पानी से पूरा भर चुका था, उनका बोट जो वेव वॉकर था वो भर चुका था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मुझे ये भी पता फील हो रहा था, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था कि शिप हैड वाटर बिलो, नीचे का जो हिस्सा था जहाज में शिप में वो पानी से भर चुका था। बट आई डेयर नॉट एबंडन द व्हील, पर मैंने हिम्मत नहीं करी कि मैं स्टेयरिंग छोड़ दूँ, व्हील को छोड़ दूँ, टू इन्वेस्टिगेट और जाकर के इन्वेस्टिगेट और जाके इन्वेस्टिगेट करूँ। सडनली अचानक द फ्रंट हैच, जो सामने का दरवाजा था वो खुला, वॉज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर्ड, और उसकी पत्नी आई। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, उसने चीख करके कहा कि हम डूब रहे हैं। सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, बीच में आया है, तो इसको हम पहले भी कह सकते हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का एक तरीका है, सेंटेंस यहाँ भी आ सकता था। सी स्क्रीम्ड, वी आर सिंकिंग, द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक टूट चुके हैं, वी आर फुल ऑफ वाटर, और चारों तरफ पानी ही पानी भर चुका है। ये किसने कहा, जो सामने का जो दरवाजा था, हैच मीन्स डोर, खोला था मेरी ने, उनकी पत्नी ने आकर के उसको सूचना दी। टेक द व्हील, और मैं चिल्लाया कि पहिया पकड़ो, मीन्स स्टीयरिंग पकड़ो। आई शाउटेड एज स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और मैं जैसे के जैसे दरवाजे की तरफ क्लाइंब चढ़ गया, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ा, जो दरवाजा खुला था उसकी तरफ, तो जहाज जैसे ऊपर नीचे हो रहा था, अब चढ़ना उतरना अब समझ में नहीं आ रहा कि किधर चढ़ रहे हैं किधर उतर रहे हैं, तो मैं स्क्रैम्बल्ड हुआ और गेट को पकड़ लिया और पत्नी से कहा कि आप पहिया पकड़ो। लेरी एंड हर्ब, ये जो उनके साथ एक और आया था नाविक, उसका नाम है, तो लेरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैड मैन, तो दोनों के दोनों ही क्या कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे। पंप का मतलब होता है पानी को प्रेशर देना, तो वो पंप कर रहे थे जैसे कि कोई पागल व्यक्ति हो, मैड मैन, पागलों की तरह पानी बाहर फेंक रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स, टूटी हुई लकड़ियाँ, हंग एट क्रेजी एंगल्स, कि जहाँ जहाँ कोई भी एंगल था उनमें लटकी हुई थी। द होल स्टारबोर्ड, स्टारबोर्ड है साइड ऑफ ए शिप, एक स्टारबोर्ड एक जहाज का हिस्सा होता है। साइड बल्ज्ड, बल्ज का मतलब स्वेल, ऐसा मोटा हो गया था, मतलब बाहर की तरफ निकल गया था, धंस गया था, ऐसे मतलब जब भी चोटें लगती है तो बल्ज हो जाता है या फिर अंदर की तरफ धंस जाते हैं, तो इनवर्ड्स अंदर की तरफ। इनवर्ड क्लॉथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज, इतने सारी, तो जो चीज़ें थी जैसे कपड़े थे, क्रोकरी सामान था, चार्ट्स थे जो मैप बनाने के काम में आ रहे थे, टिन्स डिब्बे थे, खिलौने थे, सारे के सारे स्लोस्ट अबाउट इन डीप वाटर, कि गहरे पानी में स्लोश कर रहे थे। स्लोश का मतलब होता है फ्लोटेड विद अ स्प्लेशिंग साउंड, स्प्लेश का मतलब जब भी हाँ पानी उछलता है तो ये छपाक जो आवाज़ आती है इसको स्प्लेशिंग बोलते हैं, तो ऐसे कैसे छपाक कर करके सारे के सारे पानी में तैर रहे थे। आई हाफ स्वेम, स्विम मीन्स तैरना, हाफ स्वेम, हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस केबिन, तो थोड़ा तैरा थोड़ा रेंगा और बच्चों के केबिन में चला गया। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड, और उन्होंने जवाब दिया हाँ। फ्रॉम एन अपर बंक, बंक जो ऊपर का बिस्तर बना हुआ था उसको यहाँ बंक कहते हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, पर थोड़ी सी मेरे सर पे चोट आई है, सेड शू, शू ने बताया, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, और अपने सर पे एक बड़ा सा फपोला दिखाते हुए, ये हो जाता ना फपोला जैसे ही सर पे ठाक लगती है तो इतना मोटा उभर करके आता है, तो उस उभरे हुए हिस्से को दिखाते हुए उसने कहा कि हाँ मेरे सर में थोड़ा सा फपोला है। अबो हर आईज, और थोड़ी सी बम्प बन गया है आंखों के ऊपर। आई हैड नॉट टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, अब मुझे इतना समय नहीं था और न ही मुझे चिंता थी, वरी थी अबाउट बम्प्ड हेड्स, कि कोई फपोले हो गए हो सर में और मैं उनके लिए रुकूं, इतनी टेंशन नहीं थी क्योंकि बाहर की स्थिति आप देख ही चुके हैं। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, मुझे एक हैमर मिला, स्क्रू एंड कैनवास, और एक बड़ा सा कपड़ा मिला, कैनवास शूज आप सुनते हैं तो वही कपड़ा। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और मैं वापस आ गया डेक पे, विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, और स्टारबोर्ड की जो साइड थी जो बेस्ट था जिसपे टकराई टक्कर लगी हुई थी ओपन, और वो टक्कर से खुल गया था, वहाँ मैं आया। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और हमारे पास पानी आ रहा था
जो भी लहर हम पे आकर के टूट रही थी। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैं कोई रिपेयर नहीं करूंगा, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम तो निश्चित रूप से डूब ही जाएंगे। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग हॉल्स। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। तो यहाँ समहाउ मीन्स जैसे तैसे, आई मैनेज्ड, मैंने मैनेज किया टू स्ट्रेच, स्ट्रेच कैनवास, कैनवास को स्ट्रेच करना, फैलाना, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ, और सिक्योर वाटर प्रूफ को किया, हैच कवर्स और हैच को कवर किया, अक्रॉस द गैपिंग हॉल्स, जस्ट जिन हॉल में से गैप बन गए थे उनके यहाँ मैंने क्या लगा दिया, कैनवास लगा दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, थोड़ा पानी तो नीचे की तरफ बह रहा था, बट मोस्ट ऑफ, पर ज़्यादातर जो था, इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड का मतलब दूसरी साइड पे उनको चेंज कर दिया गया, टर्न असाइड, ओवर द साइड, और उस साइड में उसको पानी को अलग कर दिया गया। तो अब क्या था कि पानी अंदर नहीं आ पाएगा। मोर प्रॉब्लम्स अरोज, अब देखिए समस्या कब आई, वेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डिब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किटेड। जो हमारे पास हैंडपम्प्स थे उनसे जब हम पानी बाहर निकाल रहे थे वो ब्लॉकअप हो गए क्योंकि कचरा भर गया था, डिब्रिस मीन्स रबिस, फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन जो कि चारों तरफ केबिन के फैल रहा था, एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किटेड। अब देखो बारिश का पानी इधर उधर था तो इलेक्ट्रॉनिक पम्प को तो शॉर्ट सर्किट होना ही था। द वॉटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली बैक ऑन डेक, अब देखिए डरावने या भयावह रूप से, थ्रेटनिंगली डराने से या चैलेंजिंग तरीके से ये पानी का लेवल बढ़ते ही जा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेस्ट ओवरबोर्ड। तो हमने क्या देखा, जैसे ही मैंने आया और मैंने तलाश किया, आई फाउंड, मैंने पाया दैट आवर टू स्पेयर, जो हमारे पास एक्स्ट्रा हैंड पम्प्स थे, हैड बीन रेस्ट, वो भी टॉर्न हो चुके थे, फट चुके थे, ओवरबोर्ड अलोंग विद द फोरस्टे सेल, द जिब, द डिंगिस एंड द मेन एंकर। तो एक डिंगिस जो थी, स्मॉल बोट्स थी, एंड मेन एंकर, जो हमारा मेन एंकर था वो भी ख़त्म हो चुका था, और फोरस्टे जो रॉप थी जो सेलिंग के लिए काम में आ रही थी रस्सियाँ, वो भी ख़राब हो चुकी थी। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनादर इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और फिर मुझे अचानक याद आया, आई रिमेम्बर्ड इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम, जहाँ हमारे चार्ट रूम रहते हैं, हम नक्शे बनाया करते थे, वहाँ एक और था, आई कनेक्टेड इट, मैंने इसको कनेक्ट किया एंड एक आउट पाइप से, वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और ये काम करने लगा। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पम्पिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। अब जो पूरी रात थी वो ड्रैग्ड लिपटी या ख़त्म हुई विथ एन एंडलेस, जो कभी थकने वाली नहीं हो, जिसका कोई अंत नहीं होता हो, बिटरली कड़वाहट भरा, कोल्ड बहुत ही खतरनाक ठंड थी, रूटीन ऑफ पंपिंग, और हम पानी को निकाल रहे थे एक एक रूटीन बना बना करके, कोई थक जाता तो कोई चला जाता, फिर कोई थक जाता दूसरा काम करता, स्टीयरिंग, और एक स्टीयरिंग को भी आपको सीधा रखना पड़ता था, एंड वर्किंग द रेडियो, और हम रेडियो पे भी वर्क कर रहे थे ताकि किसी को अलार्म कर सकें, किसी को सूचना कर सकें। ये जहाज़ों के पास रेडियो ही होता है जो कि आपके लाइट हाउस में मैसेज करते हैं, और मैसेज करने के बाद कोई ना कोई हेल्प उनके पास पहुंच जाती है। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, अब हम बार बार जो कॉल बना रहे थे, जो डिस्ट्रेस हो रहे थे, उनका कोई जवाब नहीं आ रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और ये भी कोई सरप्राइज नहीं था क्योंकि यहाँ जो रिमोट बड़ा दूर का इलाका था, दुनिया से हम कहीं दूर थे, और वो भी कहाँ, हिंद महासागर में, जहाँ हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला था, इसलिए सरप्राइज की बात नहीं थी, चाहे कितना ही रेडियो करो कोई नहीं आने वाला हेल्प के लिए। शूज हैड हैड स्वेलन अलार्मिंगली, अब मैंने देखा कि शूज का जो सर था वो स्वेलो हो चुका था, मतलब सूज चुका था, सूजन आ चुकी थी, अलार्मिंगली जो कि हमें एक सूचना दे रहा था। सी हैड टू एनर्मस ब्लैक आइज, और उसकी आंखें भी बड़ी काली हो चुकी थी, एंड नाउ सी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने हमें दिखाया कि उसके हाथ पे भी एक
गहरा कट लगा हुआ है. व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, जब मैंने उससे पूछा कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अपनी इंजरीज के बारे में, सी रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया, आई डिडेंट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, मैं आपको और चिंता में नहीं डालना चाह रही थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे. बहुत ही अच्छी बात बच्ची ने कही है, छोटी सी बच्ची 7 साल की, वो ये कह रही है कि मैं आपको और ज़्यादा मेरी इंजरीज के बारे में नहीं बताना चाह रही थी कि आपको टेंशन होगी. देखिए ऐसा यदि सब मिल करके करते हैं तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है. तो जब जब समस्याएँ आएँ तो इसी तरीके से करें. बाई मॉर्निंग ऑन जर्नी थर्ड, अब देखिए जनवरी 3 की बात आ रही है, तो 3 जनवरी को क्या होता है, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशियंटली अंडर कंट्रोल, अब पंप ने पानी को अंडर कंट्रोल कर दिया, फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, और हमारे लिए हर आदमी के लिए 2-2 घंटे का रेस्ट भी अब मिल रहा था रोटेशन में, एक के बाद एक आराम कर रहा था, बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो, पर अभी भी कोई बड़ा सा लीक था जो नीचे था, द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग, वाटर लाइन जो जहाज आपकी बोट होती है, बोट का ये हिस्सा होता है इतना पानी में जो डूबा हुआ रहता है, इसको हम वाटर लाइन बोलते हैं, तो यहाँ वाटर लाइन पे कहीं ना कहीं कोई लीक था और उसके कारण से बार बार ये पंप भरते जा रही थी, द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग, और चेक करने पे पाया, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम वर स्मैश्ड डाउन टू द नील, नील का मतलब जो स्टील का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है जो कि बेस ऑफ द शिप, जो बेस के साथ सारे सारे बना हुआ रहता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनकी जितनी भी पसलियाँ थी, हड्डियाँ पसलियाँ, वो टूट चुकी थी मेन रिब. इनफैक्ट वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल, जो फ्रेमवर्क बना हुआ था, एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशन, जो कबर्ड के पार्टीशन बने हुए थे उनके अलावा ज़्यादातर चीज़ें टूट चुकी थी और पूरे स्टारबोर्ड सेक्शन को ये कबर्ड ही बचाए हुए थे, इनके अलावा कोई चीज़ होल्ड करने के लिए उनके पास नहीं थी. कहने का मतलब जो ये अपना वेव वॉकर था वो बुरी तरह से टूट चुका था, तहस नहस हो चुका था. वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, अब देखिए जब वेव हिट हुई थी वो 15 घंटे गुजर गए और 15 घंटे से हमने अपने आप को बचा लिया, बट वेव वॉकर वुडेंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, पर वेव वॉकर अब हमें ज़्यादातर नहीं बचा सकता कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच सके. आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, फिर मैंने चार्ट निकाला और पाया कि कुछ 100 किलोमीटर्स की दूरी पे छोटे छोटे आइलैंड्स है, आइलैंड का मतलब द्वीप, समुद्र चारों तरफ से घिरा हुआ, कोई छोटी सी जमीन निकली हुई उसको आइलैंड कहते हैं, तो कुछ ही दूरी पर कुछ आइलैंड्स है, वन ऑफ देम लाई एम्स्टर्डम, और एक उनमें से था लाई एम्स्टर्डम, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जहाँ पर फ्रांस वाले साइंटिफिक बेस बना करके रहते हैं, आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, बड़ा विशाल ओशन था और पिन प्रिक्स सुई रखने जितनी जगह, तो वो आइलैंड हमें ढूंढना था, बट अनलेस द विंड एंड सीज abated, abate का मतलब to become less intense, यदि कम हो जाए, so we could hoist sail, hoist का मतलब लहराना और फहराना, ताकि हम sail को लहरा सकें, हाँ क्योंकि ये कपड़े के हिसाब से कपड़े से ही चलती है, तो जब sail खोलते नहीं है तब तक नहीं खोलते जब तक लहरें उनको खोलने नहीं देती है, हवाएं कम नहीं हो जाती, our chances would be slim indeed, और हमारे chances तो बहुत ही कम हो रहे थे वास्तव में, the great wave had put our auxiliary engine out of action, ऑक्जिलरी जो सेकेंडरी होता है जो हेल्प करता है, तो हेल्पिंग इंजन था वो भी आउट ऑफ एक्शन हो गया, मतलब खराब हो चुका था. ऑन जनवरी 4 हम 4 जनवरी में पहुंच जाते हैं, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 36 घंटे तक हम पानी बाहर फेंक रहे थे, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, और हम कुछ ही सेंटीमीटर पहुंचे पानी में, नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, और अब हमें तो उन्हीं के साथ कदम से कदम मिलाना था जो पानी अभी भी अंदर आ रहा था, वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और हम मेन मास्ट से कोई भी सेल नहीं लगा सकते, कोई पतवार नहीं लगा सकते थे, प्रेशर ऑन द रिगिंग का मतलब रोप्स एंड वायर्स वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, यदि उन पे मास्ट पे थोड़ा सा भी जोर दिया जाता तो
पूरा का पूरा हिस्सा दो टुकड़ों में बट जाता। डैमेज का मतलब नष्ट हो जाना, सेक्शन का मतलब बंटवारा, हल का मतलब जो फ्रेमवर्क बना हुआ था, अपार्ट का मतलब अलग अलग हो जाता। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब, फिर हमने क्या किया, सेल लगाने के बजाय स्टॉर्म जिब को होस्ट किया, एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, और फिर उसी की तरफ हमने अपना जहाज की नाव की स्पीड कर दी और जो आइलैंड थे जहाँ मैंने सोचा था उस दिशा में चलना स्टार्ट किया। मेरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ, मेरी को कुछ कॉर्न बीफ मिले, एंड क्रैकर बिस्किट्स, थोड़े बिस्किट मिले, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट टू डेज। अब दो दिन तक हमने खाना नहीं खाया था, अब जा कर के हमने कोई पहला मील हमारा लिया। बट आवर रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब रिलीफ, वॉज शॉर्ट लिव्ड, तो हमारा जो आराम था वो थोड़े समय का था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, और फिर से काले बादल हमारे पीछे बनने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और फिर से स्पीड 40 knot की हो गई और समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट, तो कंटिन्यू गेट वर्स, और ख़राब होते रहा। थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात, एंड बाय डॉन, और सुबह तक, ऑन January 5th आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, अभी भी निराशाजनक हो गई थी स्थिति। When I went in to comfort the children, जब मैं बच्चों को आराम करवाने के लिए या उनको थोड़ा एंटरटेन करने के लिए अंदर गया, जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या डैडी हम मरेंगे। आई ट्राइड टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने उसको बिल्कुल कोशिश करी अश्योर करने की कि नहीं नहीं हम नहीं मरेंगे, हम इससे बाहर निकल जाएंगे, वी कुड मेक इट। बट डैडी ही वेंट ऑन वह कहते गया, बट डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से बिल्कुल नहीं डरते यदि हम साथ साथ हों, यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई। तो देखो छोटे से बच्चे ने कितनी बड़ी बात कही है कि मैं मरने से बिल्कुल नहीं घबराता यदि हम सब एक साथ हैं तो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही, बड़ा कॉन्फिडेंट सेंटेंस आया बच्चे का। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, और हमें कोई वर्ड नहीं मिला, मुझे कोई वर्ड नहीं मिला विथ विच टू रेस्पॉन्ड, बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, कि अब मैं कोई शब्द तो मेरे पास नहीं था कि बच्चों का जवाब दूँ, रेस्पॉन्ड मीन्स रिप्लाई, बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट, और मैंने बच्चों का कैबिन इसलिए छोड़ दिया या वहाँ से मैं बाहर निकल गया, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चित हो गया टू फाइट द सी, अब समुद्र से लड़ूंगा, विथ एवरीथिंग आई हैड, कि जो कुछ भी मेरे पास है मैं समुद्र से लड़ूंगा और जीत करके निकलेंगे। अब निराशा का कोई विषय नहीं था, डेस्परेट होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बच्चों ने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, अब प्रोटेक्ट करनी है जो वीक हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है स्टारबोर्ड की साइड। आई डिसाइडेड टू हीव, हीव का मतलब टू रेज और लिफ्ट विथ एफर्ट्स, टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पार्ट ऑफ हल फेसिंग द अप ऑन कमिंग वेव्स, कि अब की बार क्या करेंगे कि जो डैमेज हिस्सा है उसको लहरों से विपरीत कर देंगे, कहने मतलब लहरें उस हिस्से से टकराएगी जो डैमेज नहीं है। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रॉप्स, अब हमने एक नया एंकर बनाया जो हमारा पहले डूब चुका था, नायलॉन रोप से 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स, और 22 लीटर के हमने प्लास्टिक के बैरल लिए, बड़े बड़े से ड्रम जैसे बैरल होते हैं, जो कि किसके थे, पैराफिन के थे, पैराफिन इनके पास है, उनके जो पैराफिन के जो लीटर्स के प्लास्टिक बैरल थे, और नायलॉन की जो रस्सियाँ थी उनसे हमने नया एंकर बनाया। दैट इवनिंग मेरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और आज की रात मेरी और मैं दोनों के दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ करके बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर, जैसे हमने जहाज की गति बढ़ाई तो पानी और से ज्यादा अंदर आने लगा, जो कि ब्रोकन प्लैंक्स थे, छोटी छोटी लकड़ियाँ टूट चुकी थी उनमें से। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों ने सोच लिया था कि अब तो मरना ही है, एंड बहुत ही करीब आ चुका है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ Journey 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट बेक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स। वेरी गुड,
बट वेव वोकर रोड आउट द स्टॉर्म, रोड आउट का मतलब कुचल दिया उस तूफान को, कहना मतलब जीवित रह गया, एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 और 6 जनवरी को हम जिंदा बचे विद द विंड ईजिंग और अब हवाएं ईज हो गई है, आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट और मैंने सेक्सटेंट निकाला और उस पर रीडिंग करना स्टार्ट किया। ये एक ऐसा क्या होता है कंपास होता है जिससे हम दिशाएं देख लेते हैं और दूरियां नाप लेते हैं। बैक इन द चार्ट रूम, वापस चार्ट रूम में आया, आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स और मैंने हवा की गति पर काम करना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया। चेंजेज ऑफ कोर्स, कैसे कैसे बदलाव आ रहा है, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजिशन। अब जो ड्रिफ्ट थी हमारी लाइफ स्किल ड्रिफ्ट थी और करंट जो लहरों का प्रवाह था बहाव था उनको देखा और मैंने कैलकुलेट करी अपनी पोजिशन की हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, कि हम 150,000 किलोमीटर लंबे समुद्र में 65 किलोमीटर के आइलैंड को ढूंढने में कहीं ना कहीं हम हैं और मैंने मेरी दिशा का सही सही आकलन कर लिया। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शिव मूविंग पेनफुली और शिव जी थी वो पेनफुली इधर उधर चल रही थी, ज्वाइन मी और वो भी चलते हुए मुझे मेरे पास आ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन, अब उसका जो लेफ्ट साइड था सर का वो सूज चुका था, एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरोड और उनकी काली आंखें और संकरी हो चुकी थी, टू स्लिट्स एकदम छोटी छोटी हो चुकी थी। सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड और उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने खुद ने बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मेरी एंड मी विद द वर्ड्स, उसने एक कार्टून बना रखा था मेरी का और मेरा उसके सामने वाले हिस्से में। हियर आर सम फनी पीपल, ये कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या आपको वो हंसा पाएंगे या क्या उन्होंने आपको हंसाया। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल और मैं भी बहुत हंसी। इनसाइड वॉज अ मैसेज और अंदर एक मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं इन दोनों से कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट और ये कार्ड इसलिए था कि थैंक यू कहें और चलिए अच्छे की उम्मीद करते हैं। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, किसी न किसी तरीके से हम इस समस्या के पार चले जाएंगे। शिव ने डेड को फिर कॉन्फिडेंस दिया। आई चेकड एंड रीचेक माई कैलकुलेशन, मैंने फिर से चेक करी मेरी कैलकुलेशन को। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमारा जो मुख्य कंपास था वो खो गया था, एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर और मैं एक खराब या एक्स्ट्रा कंपास को यूज कर रहा था, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड, जिसमें करेक्शन नहीं हो पा सकता था मैग्नेटिक वेरिएशंस का, ये जो चुंबकीय जो वेरिएशंस आ रहे थे उनका या लहरों का जो चुंबकीय वेरिएशन था उनको। आई मेड एन अलाउंस, अब मैंने थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाया फॉर दिस एंड अनादर एस्टिमेट और फिर से एक एस्टिमेट निकाला ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, कि जो वेस्टर्ली जो करंट्स था जो बहाव था उसके असर को इन्फ्लुएंस को, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो कि हिंद महासागर के इस हिस्से में बहती है, उनका मैंने एक बार फिर से अनुमान लगाया पुराने कंपास के द्वारा, क्योंकि जो मेन कंपास था वो हमारा खो चुका था। अबाउट 2 PM 2 बजे आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क लेरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 degrees, मैं डेक पे गया और मेरी से कहा कि आपको स्टीयरिंग को 185 डिग्री पे ले चलना है। इफ़ वी वर लक्की, यदि किस्मत ने साथ दिया, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, मैंने उसको एक विश्वास के साथ कहा, आई डिड नॉट फील, मैंने विश्वास नहीं, मुझे नहीं लग रहा था वी कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM कि 5 बजे विश्वास तो नहीं है, फिर भी 5 बजे हम आइलैंड को देख लेंगे। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो और बड़ा उदास मन करके मैं नीचे गया, क्लाइम्ब्ड ऑन माई बंक और मेरे बिस्तर पे चढ़ गया, एंड अमेजिंगली और आश्चर्यजनक रूप से डॉज्ड ऑफ और नींद आ गई। When I woke it was 6 PM, जब मैं जागा तो ये 6 बजे हुए थे, एंड ग्रोविंग डार्क और अंधेरा हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मुझे पता था कि आइलैंड को खो चुके हैं, एंड विद द सेल ही वी हैड लेफ्ट और सेल के कारण से हम बहुत पीछे आ चुके होंगे या छोड़ चुके होंगे। वी कूडंट हॉप द बीट बैक इंटू द वेस्टर्ली विंड्स और इस सेल के सहारे मुश्किल ही था वेस्टर्ली विंड्स को हम सामना कर पाए होंगे। At that moment, I tussled. एक ऐसा disarranged hair had appeared.
कि उसका बेटा आया जिसके बाल ऐसे डिसअपीयर्ड हो डिसअरेंज हो रखे थे, बाय माई बंक, मेरे बिस्तर पे आया। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ, जोनाथन आस्क, जोनाथन ने पूछा। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, और शिव भी उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, क्यों गले लगाना चाह रहे हो, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, इन द होल वर्ल्ड, एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, बेटे ने जवाब दिया कि आप सबसे अच्छे कैप्टन और सबसे अच्छे पापा हो दुनिया के। नॉट डैडी जॉन, आई एम अफ्रेड, नहीं पापा मैं डरा हुआ हूँ जॉन। वाई यू मस्ट बी, सेड श्यू, सेड श्यू ने कहा, सेड श्यू ने कहा, वाई क्यों, यू मस्ट बी, इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, श्यू ने मैटर ऑफ फैक्ट की जिसमें सत्यता भरी हो ऐसी आवाज से कहा, यू फाउंड द आइलैंड, आपको तो आइलैंड मिल गया है। वॉट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, देखिए वो रहा हमारे सामने। द कोरस्ट, एक साथ, एज बिग एज ए बैटल शिप, इतना बड़ा जितना कि बहुत बड़ा जहाज हो, बैटल शिप हो उतना बड़ा आइलैंड हमारे सामने है। आई रस्ट ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द एम्स्टर्डम, मैं दौड़ करके डेक पे आया और गेज घूर करके देखा विथ रिलीफ, बड़ी आराम भरी नजर से, एट द स्टार्क, जो शार्प डिफाइंड था, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था आउटलाइन ऑफ लाई एम्स्टर्डम, कि एम्स्टर्डम जो आइलैंड था उसकी आउटलाइन मुझे दिखाई दे रही थी। इट वॉज ओनली अ ब्लीक, ब्लीक का मतलब एन एरिया लेकिंग वेजिटेशन, एक छोटा सा हिस्सा था जो ज्वालामुखी के लावे से बना हुआ था, उस पर कोई वेजिटेशन नहीं थी, पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक जो कि चट्टाने थी, विथ लिटिल वेजिटेशन, और थोड़ी बहुत, लिटिल का मतलब न के बराबर वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और आज दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड लग रहा था। वी एंकर्ड, हमने एंकर डाल दिया ऑफ शोर, समुद्र के किनारे, फॉर द नाइट, इस रात के लिए, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली ही सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, की यहाँ 28 जो लोग रहते हैं ऑफ द आइलैंड, चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, और उन्होंने हमें खुशी दी क्योंकि उन्होंने हमारी शोर पे, किनारे पे आने के बाद सहायता करी। तो यहाँ जो लोग रहते थे वो रशियन एयरबेस, सॉरी कह सकते हैं साइंटिफिक एरिया है, तो वहाँ 28 लोग रहते थे और उन्होंने हमारी सहायता करी। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, फिर से जमीन मेरे पैरों के नीचे थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लेरी एंड हार्बी, अब मेरे जो विचारों में लेरी और हार्बी थे, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, अब हम खुश थे और आशावादी थे। अंडर द डियरेस्ट स्ट्रेस, और सॉरी डायरेस्ट, खतरनाक जो स्ट्रेस था उसमें भी, एंड ऑफ मैरी, और फिर मैरी हु स्टेड एट द व्हील, जो कि कितनी मुश्किल से स्टीयरिंग के पास रुकी, फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो खतरनाक समय थे, इंपॉर्टेंट समय टाइम था, उसमें भी वो रुकी रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old girl, और सबसे ज़्यादा विचार मेरे उस छोटी सी बच्ची का, 7 साल की बच्ची का आया, हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो अपनी हेड इंजरी के बारे में भी हमें चिंतित नहीं करवाना चाह रही थी। विच सबसिक्वेंटली, जो बाद में जा करके, टुक 6 minor operations, जिसके 6 छोटे छोटे ऑपरेशन हुए, टू रिमूव, हटाने के लिए, ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट, जो कि बार बार अपियर हो रहा था, एक ब्लड क्लॉट बन चुका था, बिटवीन स्किन एंड स्किल, उसकी त्वचा और खोपड़ी के बीच में, एंड ऑफ अ 6-year-old boy हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और विचार आ रहे थे उस छोटे से 6 साल के बच्चे के, जो मरने से नहीं डर रहा था। इस प्रकार आपका चैप्टर पूरा होता है। थैंक्स। यदि आपको और वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और रोजाना अच्छे वीडियो देखें। यदि आपके बहन भाई दूसरी क्लास में हैं तो उनके लिए भी वीडियो हम बना रहे हैं। हर क्लास का वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगा, तो देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।